यूपी की तैयारी में कांग्रेस भी जुटी है। कांग्रेस के सामने क्या चुनौतियां हैं, इस मुद्दे पर हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह ने कांग्रेस के यूपी प्रभारी गुलाम नबी आजाद से बातचीत की। आजाद साहब, चुनौतियां क्या आपके सामने हैं उत्तर प्रदेश में? सबसे बड़ी चुनौती है कि यूपी को और देश को जिस तरह से तोड़ने का प्रयास कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा किया जा रहा है, जैसे पहले मुजफ्फरनगर की घटना हुई, फिर मथुरा की घटना हुई, हरियाणा की घटना हुई, और पता नहीं अभी आने वाले 6 महीनों में कौन कौन सी घटना की जाएंगे। ये तमाम घटनाएं एक साजिश के द्वारा की जा रही हैं कि इलेक्शन से पहले इस तरह का वातावरण उत्तर प्रदेश में पैदा किया जाए कि सब उत्तर प्रदेश की जनता धर्म और जाति के नाम पे बढ़ जाए और इलेक्शन हो जाए तो अपने धर्म के नाम पे और जातियों के नाम पर वोट दें। ये एक बहुत बड़ा जो ट्रेंड तैयार किया जा रहा है या राजनीति तैयार की जा रही है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, और विशेष रूप से केंद्रीय सरकार में जो लोग बैठे हैं वो भी इसमें शामिल हैं, तो ये देश को बांटने का ट्रेंड है। ये इलेक्शन जीतने का ट्रेंड नहीं है, ये जो नीति है ये सरकार यूपी की बनाने के लिए नहीं है, इसमें तो देश बढ़ जाएगा। क्यों नाम गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इसी के साथ